देवरिया जनपद के स्थित बैतालपुर में इंडियन ऑयल डिपो में तेल के टैंकर के चैम्बर में बुधवार को सुबह आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान चालक जयप्रकाश एवं खलासी वशिष्ठ दुबे झुलस गए। अग्निशमन व डिपो कर्मचारी के प्रयास के बाद कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। सुबह 9 बजे तेल डिपो से टैंकर तेल लेने के लिए गया, अचानक टैंकर के चैम्बर में आग पकड़ लिया। आग को बुझाने के दौरान चालक व खलासी झुलस गए। डिपो में आग लगने की सूचना पर देवरिया के अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 4 फायर टैंकर के साथ पहुंचे। डिपो के अंदर अफरा तफरी की स्थिति के चलते कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर गोरखपुर देवरिया मार्ग पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिसकर्मियों को भीड़ पर नियंत्रित करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बैतालपुर डिपो में आग की सूचना मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया। इमरजेंसी कक्ष को खाली करा लिया गया। इमरजेंसी में भर्ती सभी मरीजों को वार्ड में भेज दिया गया। डॉक्टरों की टीम इमरजेंसी में पहुंच गई। वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया। डॉक्टर आर के श्रीवास्तव, डॉक्टर एन के पांडे इमरजेंसी के चिकित्सक कक्ष पहुँच गए। आग लगने के बाद कर्मचारियों ने डिपो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि डिपो में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारी आग लगने के बाद आग बुझाने में जुटे थे, जबकि अधिकारी सबसे पहले कैंपस से फरार हो गए। कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी गई। कर्मचारी झुलस गया, लेकिन उसे देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया। डिपो में अग्निशमन यंत्र है, कहीं भी कोई आग लगने पर सायरन बजाया जाता है, लेकिन आग लगने के बाद यहाँ लगा सायरन नहीं बजाया गया। साथ ही अधिकारी आग बुझाने के बाद कैंपस पहुंच गए।